Hello to all dear students. As you all know me, myself Dr. Kushika Dhaneja. I am your biology faculty. So students, आज हम SIT that is the super important questions हम discuss करने वाले हैं. Previous year questions discuss करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से. जिन पे ज़्यादा previous year questions पूछे गए हैं, उन topics को भी चमकवाएंगे. तो are you ready with me to understand the topics on which PYQs are asked? हम साथ ही साथ पी व्यूज भी डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन तो बच्चों जैसे कि आपको पता है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन चैप्टर में से मीट एग्जाम में हर साल दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब ये चैप्टर ट्वेल्व मार्क्स का वेटेज रखता है इस चा, ये चैप्टर हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है तो हम बेसिकली आज वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जिन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो जैसे कि बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे ये फोर सब टॉपिक्स होते हैं दैट इज एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड अदर्स अदर्स में डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव ट्रैक आता है विटामिन आता, आता है और मिनरल्स आता है अगर हम बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात करें कि लास्ट अगर हम ईयर्स में कितने क्वेश्चन इनपे पूछे गए हैं इंक्लूडिंग जब एम्स एग्जाम होती थी इंक्लूडिंग डेट टू तो एलिमेंट्री कैनाल पार्ट जो है हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से उस पर चार क्वेश्चन पूछे गए हैं डाइजेस्टिव क्लाइंट पे नाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं डाइजेशन ऑफ फूड जिसे हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन भी कहते हैं उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए लगभग 12 क्वेश्चंस और अदर्स जैसे एब्जॉर्प्शन एंड डिसऑर्डर्स विटामिंस एंड मिनरल इस पे एक से दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो बच्चों ये तो हो गया हमारा सब टॉपिक का वेटेज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर तो चैप्टर के सब टॉपिक्स का कितना वेटेज है नीट एग्जाम में वो मैंने आपको बताया मतलब अगर किसी बच्चे को एंड टाइम में से रिवाइज करने को बोलूं तो बच्चा सबसे पहले उसे और करना चाहिए और टाइम बचे तो फिर क्योंकि ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए एक एक करके अपना कंसेप्ट चमकाते हैं फर्स्ट आते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल पे एलिमेंट्री कैनाल जो सब टॉपिक है उसमें बेटा टीथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं आज आपको टीथ अच्छे से समझाऊंगी जैसे कि आपको पता है हम मुंह से खाना लेते हैं और हमारे माउथ के अंदर जो लेटरल वॉल्स है वो टीथ के द्वारा बनती है जो रूफ है वो पैलेट के द्वारा बनता है और जो फ्लोर है वो टंग के द्वारा बनती है तो आज मैं आपको ये लेटरल वॉल्स टीथ को समझाने वाली हूँ ठीक है तो ये हमारी बकल कैविटी है इसमें ये टीथ पार्ट है तो जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसमें बहुत सारे दांत पाए जाते हैं इनका ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होता है टीथ की पढ़ाई को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं अगर हम देखें तो बच्चों जो टीथ बोन से कनेक्टेड रहती है बोन में एम्बेडेड होती है मैं स्पेशली ह्यूमंस की बात करूं तो तो ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला कहा जाता है जबकि नीचे वाले बोन को या जबड़े को मैंडिबल जॉ कहा जाता है ह्यूमंस के अंदर टीथ जो है वो मैक्सिला और मैंडिबल बोन में अच्छी तरह एम्बेडेड होते हैं धसे हुए होते हैं एज यू कैन सी अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करें तो टूथ को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं क्राउन नेक एंड रूट क्राउन जो दिख रहा है वाइट पार्ट वो क्राउन होता है जो गम से ढका होता है उसे हम नेक पार्ट कहते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जिंजाइवा से तो, जो ढका हुआ है और जो रूट पार्ट होता है वो अच्छी तरह से एल्विलर बोन में एम्बेडेड पाया जाता है सो so, ये क्रॉस सेक्शन था टूथ का अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करें टूट की तो टूट जो है वो गम्स के अंदर एम्बेडेड होता है अच्छी तरह से ये सब ये बात आप सभी को पता है बच्चों जैसे कि नेक्स्ट जो बोन होती है जैसे ऊपर वाला जॉक हो मैक्सला बोलते हैं नीचे वाली जॉक हो मैंडेबल बोलते हैं लेकिन जो जिस बोन के अंदर टीथ एम्बेडेड होता है उसके लिए एलवलर बोन वर्ड का उपयोग किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए फिर जैसे कि आपको पता है बच्चों कि बोन और टीथ के बीच में भी कुछ लिगामेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम पेरियोडोनटल लिगामेंट्स कहते हैं इन शॉर्ट पीडीएल जो रूट्स होती है वो एक से तीन वैरी करती हैं जैसे कैनाइन में एक होती है और पीछे के मोलर्स में हम जाएं तो तीन रूट्स पाई जाती है अब अगर हम बात करें बच्चों तो uh, अगर हम बात करें बेटा लेयर्स ऑफ टीथ की तो सबसे बाहरी लेयर एनामल होती है उसके नीचे बेटा डेंटीन पाई जाती है और डेंटीन के नीचे पल्प पाई जाती है एनामल को हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है एनामल जो है इसमें से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है हार्डेस्ट ठीक है जबकि डेंटिन जो होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू द एनामल और पल्प जो है वो सेंसिटिव एरिया होता है पल्प जो है सबसे अंदर पाया जाता है और सेंसिटिव एरिया होता है पल्प के अंदर अलग अलग प्रकार की ब्लड वेसल्स और न पाई जाती है इसलिए जब भी आपको डेंटल कैरीज होती है तो ऊपर हमें दर्द नहीं होता है लेकिन जैसे ही वो पल्प रीजन में पहुंचती है वो डेंटल कैरीज तो हमें पेन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा जिसके कारण हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है और यही अगर हम शुरू में ध्यान दे लें जब कैविटी अभी इनामल और डेंटिन पे ही है तो खर्चा भी कम होगा समय भी कम बर्बाद होगा और दर्द भी बहुत कम होगा बिकॉज एनामल और डेंटिन जो है वो वो कुछ लिविंग सेल्स के सीक्रीशन है तो वो डेड मटेरियल है तो उसके ऊपर हमें इतना पेन नहीं होता है लेकिन एक बार अगर कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है तो फिर हमें बहुत ज्यादा पेन या सेंसिटिवनेस फील होती है ठीक है अब जैसे कि आपको मैंने बताया सबसे भारी पार्ट को हम इनामल कहते हैं इनामल के बारे में जानते हैं इनामल जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है पूरे एनिमल किंगडम का तो अब इनामल जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है पूरा एनिमल किंगडम का वो सीक्रेट होता है बाय द सेल्स कॉल अमीलो सेल तो ये अमीलो सेल आपको पता होना चाहिए कि ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इनामल इज सीक्रेटेड बाय द अमिलो ब्लास्ट सेल तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इनामिलो ब्लास्ट जैसे इनामिलो ब्लास्ट वगैरह जैसे पॉइंट से कंफ्यूज किया जा सकता है ठीक है तो जो हमारा इनामल होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भर भर के पाया जाता है 96 सिक्स परसेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाए जाते हैं कैल्शियम ज़्यादा पाई जाती है मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है ठीक है इसमें तीन परसेंट पानी और ऑर्गेनिक पार्ट वन परसेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन पाया जाता है तो इसमें देखिए आप इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है हमारी ह्यूमन बॉडी का दैट इज एनामल इनामल जो है मैंने जैसे कि आपको बताया नॉन लिविंग पार्ट है वो एक प्रकार का सीक्रीशन है जो सेल्स के द्वारा हो चुका है अब इनामल जो है वो उसको हार्ड हार्ड और ज्यादा होता, होता है लेकिन अगर फ्लोरीन होता है, तो का नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है और इस डिसऑर्डर को हम फ्लोरोसिस कहते हैं समथिंग एक्स्ट्रा अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनामल जो है वो अमीलो सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे पीवाई पूछा जा सकता है फ्यूचर में नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम सिमेंटम पे तो इनामल की जगह पे रूट में सिमेंटम पाया जाता है इनामल की जगह रूट में क्या पाया जाता है बेटा सिमेंटम पाया जाता है इनामल हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है पूरे एनिमल किंगडम का अब आते हैं बेटा डेंटीन पे डेंटीन जो है ये भी थिक लेयर होती है ये पल्प और इनामल के बीच में पाई जाती है फिर जो डेंटीन पार्ट है बेटा वो सीक्रेट होता है बाय ओडोटो ब्लास्ट सेल डेंटीन जो है बेटा वो सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है इज सीक्रेटेड बाय सेल तो आपको पता होना चाहिए डेंटीन जो है वो ओडोन्टो ग्लास सेल्स के द्वारा रिलीज होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए डेंटिनो ब्लास्ट ऑप्शन में दिया जाएगा लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है नेक्स्ट आते हैं बेटा डेंटीन पार्ट पे डेंटीन जो है वो उसमें सेवेंटी परसेंट ड्राई वेट ऑफ डेंटीन जो है वो कैल्शियम सॉल्ट के द्वारा बन, बनता है के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड हार हार होता है क्योंकि इनामल के अंदर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है अब सबसे अंदर जो है बेटा पल्प कैविटी पाई जाती है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स आपको सब देखने को मिलेगी ब्लड वेसल नर्व्स और लिम्फ वेसल ये सब हमें पल्प में देखने को मिलती है तो ये सेंसिटिव रीजन होता है हमारे टीथ का तो आर्टरी वेन नर्व्स जो है इट इज प्रेजेंट इन द पल्प ये सेंट्रल पार्ट होता है हमारे टूथ का अब अगर आप आ, रूट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे होल पाए जाते हैं जहां से आर्टरी वेन और नर्व्स जो है वो निकलती है इस होल्स को हम अपाइकल फोरामन कहते हैं इन होल्स को बेटा हम अपाइकल फोरामन कहते हैं अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर हम टीथ का क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद जॉ बोन अगर अगर टीथ जो है वो सुपरफिशियली लगा हुआ है तो वो बार बार टूटने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं ऐस, ऐसे प्रकार के टीथ को हम एक्रोडॉन टीथ कहते हैं जिसमें अटैचमेंट सुपरफिशियली होता है तो दांत बार बार टूटेंगे मतलब ऐ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दांत बार बार इरप्ट हो सकते हैं उसमें हमें एक्रोडॉन टाइप ऑफ टीथ देखने को मिलेगा इसका एग्जाम्पल है बेटा फिशेस और एम्पीबियंस प्लूरोडोन टीथ में एक एंगल्स की साइड से टी थोड़ा बहुत एम्बेडेड रहता है इसका एग्जांपल है लिजर्ड्स एंड स्नेक अब आते हैं थीकोडॉन टीथ पे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और जो आपको याद होना चाहिए ये दोनों आपको नहीं भी याद होगा तो चलेगा लेकिन थीकोडॉन आपको टर्म याद होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेकोडों अगर दांत अगर दांत एल्विलर बोन में अच्छी तरह धंसे हुए हैं एम्बेडेड हैं तो इस प्रकार के दांत को हम थीकोडॉन डेंटिशन बोलते हैं जैसे हम इंसान हम ह्यूमंस के अंदर और क्रोकोडाइल्स के अंदर थीकोडॉन टाइप ऑफ डेंटिशन पाया जाता है इसलिए हमारे दांत रोज रोज नहीं टूटते हैं जब तक कोई क्रिटिकल एक्सीडेंट ना हो ठीक है तो थीकोडॉन टर्म आपको याद होना चाहिए अब शेप के आधार पे क्या हमारे दांत सब एक समान दिखते हैं द आंसर इज नो हमारे कुछ दांत जो हैं वो चपटे होते हैं कुछ दांत हमारे नुकीले होते हैं कुछ दांत में पाए जाते हैं ठीक है कुछ दांत में कब पाए जाते हैं तो हमारे दांत जो है वो अलग अलग तरह के दिखते हैं इसलिए हम हैोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली हमारे सभी दांत दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन किसी कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक फिशेस एंड एम्फीबियंस में एक जैसे दांत पाए जाते हैं इस टाइप के डेंटिशन को बेटा हम होमोडोन कहते हैं अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजिकली चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं चपटे दांतों को इंसाइजर्स कहा जाता है नुकीले दांतों को कैनाइंस कहा जाता है कस वाले दांत को प्रीमोलर्स और मोलर्स कहा जाता है अब इंसाइजर्स की अगर हम बात करें तो इंसाइजर्स आगे के दो दांत होते हैं ये पहली बार इरप्ट होते हैं चपटे होते हैं और आपको एप्पल में बाइट करने को बोलूंगी तो आप इंसाइजर्स का यूज करेंगे मतलब इंसाइजर्स का का काम होता है आप सॉरी uh, इंसाइजर्स का काम होता है बाइट करना सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसाइजर्स इट हेल्प्स इन बाइटिंग एज यू कैन सी कटिंग एंड बाइटिंग द फूड अब आते बेटा कैनाइंस पे कैनाइंस वही दांत हैं जिनके बारे में मैंने बताया था कि ये नुकीले होते हैं तो नुकीले दांतों को बेटा हम कैनाइंस कहते हैं कैनाइन जो है जैसे कि ये शार्प हैं हैं इनकी नुकीले है, तो का काम क्या होता है कि कैनाइन जो है वो टीयर करने का काम करते हैं कैनाइन जो है बेटा वो टीयर करने का काम करते हैं इसीलिए कार्निवर्स में कैनाइन बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड होते हैं क्योंकि उन्हें कच्चे फ्लैश को टीयर करना होता है अब आते हैं बेटा यही वाली बात दे रखी है कि कैनाइंस जो है वो कार्निवोर्स में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा नुकीले और कितने ज्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि तो इन्हें कच्चे फ्लैश को टीयर्स टीयर करना है तो वो के वर्किंग के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैनाइन जो है वो उनका डेवलपमेंट होता है हम लोग ज्यादातर पका हुआ खाना खाते तो हमें हम कैनाइंस जो है इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं जितने कार्निवोर्स ऑर्गेनिजम्स में होते हैं अब आते हैं बेटा प्रीमोलर्स पे प्रीमोलर्स जो है वो कस्प वाले दांत होते हैं प्रीमोलर्स जो होते हैं वो कस्प वाले दांत होते हैं और इनका काम होता है ग्राइंडिंग करना इसीलिए बेटा जब आप खाना खाते हैं तो आप खाने को पीछे लेके जाते हैं जो बाइट आप चपाती की खाते हैं वो आप पीछे लेके जाते हैं बिकॉज हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम होता है खाने को ग्राइंड करना और ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं मोलर्स जो होते हैं बेटा वो भी ग्राइंडिंग और च्यूइंग का काम करते हैं वो भी कस्प वाले होते हैं ठीक है लेकिन इनका शेप रेक्टेंगुलर होता है जबकि प्रीमोलर्स थोड़े बहुत ट्राइंगुलर शेप के लगते हैं तो प्रीमोलर ट्राइंगुलर क्यों दिखते हैं बेटा अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो प्रीमोलर का कुछ ऐसा शेप होता है तो ये थोड़ा बहुत ट्राइंगल शेप बनाता है दैट्स तो वाई प्रीमोलर्स आर सेट ट्राइंगुलर नेक्स्ट नेक्स्ट जो है प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों का दांत है ये खाने के मैस्टिकेशन में ग्राइंडिंग और चुईंग में मदद करने का कार्य करते हैं अब अगर हम बात करें तो इंसाइजर जो होते हैं टस्क ऑफ एलिफेंट का आपके बारे में आपको पता होना चाहिए इट इज नॉट अ केनाइन इट इज अ अंसाइजर तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड इंसाइज एलिफेंट्स में पाया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज एलिफेंट टस्क एंड दिस इज अपर इंसाइजर नॉट अ केनाइन चलिए अब इरप्शन के आधार पर इरप्शन के आधार पर मतलब देखो मैंने आपको दो प्रकार के क्लासिफिकेशन बताए एक तो अटैचमेंट के आधार पर और एक एक अटैचमेंट के आधार पर और एक मॉर्फोलॉजिकल अपियरेंस के आधार पर अब ये तीसरा क्लासिफिकेशन है इरप्शन के आधार पर इरप्शन के आधार का मतलब होता है बेटा कि पूरी जिंदगी में हमारे दांत कितनी बार इरप्ट होते हैं उस आधार पर तो आप सभी को पता है हम ह्यूमंस में दांत जो है वो दो बार आते हैं पहला है मिल्क डेंटिशन और दूसरा है परमानेंट डेंटिशन तो मिल्क डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन दो बार हमारे दांत आते हैं इस इसीलिए हम डायफायोड कंडीशन के अंतर्गत आते हैं उसी प्रकार से बच्चों फिश में जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्रोडॉन्ट टाइप है मतलब उनके दांत बार बार टूटते हैं तो आएंगे भी बार बार तो पॉलीफायोड कहते हैं ऐसी कंडीशन को और अगर एक ही बार आके रुक जाते हैं जैसे वेल के अंदर तो ऐसी कंडीशन को बेटा हम मोनोफायोड कहते हैं तो बेटा आपको मेनली डायफायोड याद होना चाहिए बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीआरटी क्योंकि ह्यूमन के डेंटिशन एनसीआरटी में गिवन है क्योंकि ह्यूमन के डेंटिशन एनसीआरटी में गिवन है अब हम ह्यूमन डेंटिशन के बारे में बात करते हैं हमारे दांत किस प्रकार से अरेंज है उसे हम डेंटिशन कहते हैं हमारे हम हमारे इसमें कुछ दांत मोनोफायोड कंडीशन शो करते हैं मतलब ऐसे दांत जो लाइफ में एक ही बार आएंगे लाइफ में एक बार इरप्ट होंगे लाइफ में एक बार इरप्ट होंगे ऐसे दांत को हम मोनोफायोड टाइप ऑफ डेंटिशन कहते हैं मोनोफायोडोंट ऑफ डेंटिशन जो है उसके एग्जाम्पल है बेटा आप खुद सोचो ऐसे कौन से दांत हैं जो मिल्क डेंटिशन में नहीं पाए जाते और सिर्फ परमानेंट डेंटिशन में पाए जाते हैं तो ऐसे दांत है प्रीमोलर और थर्ड मोलर प्रीमोलर और थर्ड मोलर ये ऐसे दांत होते हैं जो जिंदगी में एक ही बार आते हैं ये दूध का जो डेंटिशन होता है मिल्क डेंटिशन होता है उसमें ये नहीं इरप्ट होते हैं डायरेक्ट परमानेंट डेंटिशन या एडल्ट डेंटिशन के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं ठीक है तो प्रीमोलर और लास्ट मोलर विच इज ऑल्सो विजडम टूथ इज अ एक्साम्पल ऑफ मोनोफायोडोंट ऑफ टाइप ऑफ डेंटिशन अब आते हैं बेटा हम ऑफ टाइप ऑफ डेंटिशन पे ऑफ टाइप ऑफ डेंटिशन का मतलब है कि दो बार, दो बार बार इरप्ट होंगे दो बार इरप्ट होंगे तो, तो बाकी सब आ जाएंगे लिविंग प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर तो इसमें इंसाइजर्स आ जाएंगे कैनाइन्स आ जाएंगे ठीक है और फर्स्ट मोलर आ जाएगा और सेकेंड मोलर आ जाएगा लिविंग ग्री मोलर एंड थर्ड मोलर बाकी सब दो बार इरप्ट होते हैं हैं इसीलिए वो टाइप ऑफ डेंटिशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम अब अगर हम पूरे हमारे ह्यूमन डेंटिशन की बात करें तो हमारे दांत दो बार आते हैं एक बार दूध के दांत और एक बार परमानेंट दांत इसीलिए हम डायफायोड के अंतर्गत आते हैं तो एक बार हमारे दूध के दांत आते हैं एक बार हमारे परमानेंट दांत आते हैं ठीक है तो जो हमारे दूध के दांत है वो सिक्स मंथ से लेके टू इयर्स की एज तक आते हैं जबकि डेंटिशन दूध के दांत गिरने के बाद नीचे से होते हैं परमानेंट डीत कैसे आ पाते हैं ऑस्ट्रो सेल्स की एक्टिविटी के द्वारा अब हम पढ़ते हैं होमो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेंटिशन में पाए जाने वाले कंडीशंस के बारे में सबसे पहला है थीकोटोन टाइप हमारे दांत जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था हम ह्यूमंस के दांत एल्विलर बोन के अंदर अच्छी तरह धसे होते हैं इसलिए हमारे दांत आसानी से नहीं टूटते हैं इसलिए हम थीकोडॉन टाइप ऑफ डेंटिशन के एग्जाम्पल हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बोन की सॉकेट के अंदर ये पूरी जड़ जाके धस जाती है इसलिए हम थीकोडॉन टाइप ऑफ डेंटिशन के अंतर्गत आते हैं अलग अलग प्रकार के दांत जब अलग अरेंज होते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमें ये एनसीआरटी का डायग्राम है बेटा आपको पता होना चाहिए हमारे दांत के अंदर ऊपर वाला जो जॉ होता है उसे मैग्जिला कहा जाता है और जो नीचे वाला जॉ होता है उसे मैंडिबल कहा जाता है तो अगर हम बच्चों बात करें तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं मतलब ऊपर मैक्सिला में भी दो क्वाड्रेंट हो जाएंगे मतलब इंसाइजर्स कैनाइन प्रीमोलर और मोलर्स इधर भी पाया जाएगा और इनसाइजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर इधर भी पाया जाएगा मतलब हमारे टोटल चार क्वाड्रेंट होते हैं और उसी प्रकार से मैंडेबल में भी पाया जाएगा तो इस, इसी प्रकार से बच्चों बताया है एक अपर जॉ लेके बताया है कि, कि किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है तो आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में दो इंसाइजर्स हैं फिर एक कैनाइन है फिर दो प्रीमोलर है और फिर तीन मोलर है यहाँ पे भी इसी प्रकार से अरेंजमेंट होता है लेकिन इस बार दांतों को निकाल के बताया है इससे आप देख पा रहे हैं जड़ों को भी कि केना के अंदर एक जड़ है प्रीमोलर में दो जड़ है और मोलर के अंदर तीन जड़े आपको दिख रही है थ्री रूट्स तो टोटल तो फोर क्वाड्रेंट्स हमारे अः हमारे पास जो है डेंटिशन में फोर क्वाड्रेंट्स में चारों प्रकार के दांत हमें देखने को मिलते हैं अब हेट्रोडॉन टाइप ऑफ डेंटिशन हम ह्यूमंस में शो होता है टाइप ऑफ डेंटिशन हम इंसानों में इसलिए शो होता है क्योंकि हमारे अंदर इंसाइजर जो होते हैं वो उनका शेप चपटा होता है जबकि हमारे अंदर जो कैनाइंस होते हैं उनका शेप नुकीला होता है जबकि हमारे अंदर जो प्रीमोलर्स होते हैं वो कस्प वाले होते हैं और वो कुछ ट्राइंगुलर शेप के दिखते हैं और जो मोलर्स होते हैं वो भी कस्फिड होते हैं और वो रेक्टेंगुलर शेप के दिखते हैं तो ये मोलर हो गए ठीक है बेटा इंसाइजर जो होती है उसकी संख्या टू होती है टू इन नंबर होते हैं इन नंबर होते हैं प्रीमोलर टू इन नंबर होते हैं और मोलर थ्री इन नंबर होते हैं टू वन टू थ्री ये मैं एडल्ट के लिए बात कर रही हूँ नॉट फॉर चिल्ड्रंस ये मैं परमानेंट डेंटिशन एडल्ट के लिए बात कर रही हूँ कि इंसाइजर टोटल टू होते हैं कैनाइन वन होता है प्रीमोलर टू होता है और मोलर थ्री होता है तो आप देख पा रहे हैं बेटा इंसाइजर प्रीमोलर मोलर अलग अलग आकार के मिलते हैं इसलिए हम टाइप ऑफ डेंटिशन के अंतर्गत आते हैं तो हम ह्यूमन डेंटिशन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हमें टाइप ऑफ कंडीशन पाई जाती है हमें हेट्रोडॉन टाइप ऑफ कंडीशन पाई जाती है और डायफायोड क्योंकि हमारे दांत जिंदगी में दो बार इरप्ट होते हैं एक बार दूध के दांत और एक बार परमानेंट डेंटिशन अब हम आते हैं बेटा डेंटल फॉर्मूले पे जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपको पता है बेटा मैंने ऊपर के पार्ट में कि प्रीमोलर और थर्ड मोलर हमें रप नहीं होता है प्रीमोलर और थर्ड मोलर हमें रप नहीं होता है। uh, ये, यहां पे है। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था कि प्रीमोलर और थर्ड मोलर जो है वो एक ही बार इरप्ट होता है ये मिल्क डेंटिशन में नहीं पाया जाता है इट इज एबसेंट इन मिल्क डेंटिशन एबसेंट इन मिल्क डेंटिशन इट इज एबसेंट इन मिल्क डेंटिशन तो बेटा अगर हम बात करें तो इनसाइजर्स कैनाइंस इनसाइजर्स कैनाइंस प्रीमोलर्स और मोलर्स की तो इनसाइजर्स दो मिलेंगे हमें मिल्क डेंटिशन में कैनाइंस एक मिलेगा जैसा कि मैंने आपको कहा प्रीमोलर नहीं पाए जाते तो वो जीरो मिलेंगे और मोलर जो होते हैं बेटा वो थर्ड मोलर एब्सेंट होता है तो हमें वो दो देखने को मिलेगा इतना क्लियर है ठीक है इतना क्लियर है बेटा टू वन जीरो टू कंडीशन हमें देखने को मिलेगी अब टू वन जीरो टू मैंने आपको जैसे कि बताया था कि चार क्वाड्रेंट पाए जाते हैं तो चारों क्वाड्रेंट में आपको टू वन जीरो टू कंडीशन देखने को मिलेगी टू वन जीरो टू कंडीशन आपको चारों क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगी इस प्रकार से कुछ तो अगर आप काउंटिंग करेंगे तो हर क्वाड्रेंट में आपको पांच दांत देखने को मिलेंगे जिस कारण से मिल्क डेंटिशन में टोटल बीस दांत पाए जाते हैं तो टू वन जीरो टू अपॉन टू वन जीरो टू मल्टीप्लाई बाई टू इसका एक्जेक्ट फॉर्मूला है जो कि एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है तो अपॉन मल्टीप्लाई ये डेंटल बन जाता है दस साल से कम उम्र के बच्चों का माने मिल्क डेंटिशन का ये फॉर्मूला बन जाता है अब आते हैं बच्चा लोग हम डेंटल फॉर्मूला एडल्ट की बात करने तो अब यहाँ पे सभी प्रकार के दांत पूरी तरह मिलेंगे इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर इनसाइजर दो पाए जाएंगे कैनाइन एक पाया जाएगा प्रीमोलर दो पाए जाएंगे और मोलर तीन पाए जाएंगे तो अगर मैं इसका डेंटल फॉर्मूला बनाऊंगी तो वो बन जाएगा टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मतलब हर क्वाड्रेंट में आठ आठ दांत पाए जाएंगे अगर मैं हर क्वाड्रेंट के आठ आठ दांत को प्लस कर लेती हूँ तो टोटल तो मेरे एडल्ट कंडीशन में बत्तीस दांत आंसर आता है तो आपको एडल्ट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और मिल्क डेंटिशन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ठीक है बच्चों अब हम बात करते हैं विजडम विजडम टूथ टूथ के बारे में जिसे अकलदार हिंदी में कहा जाता है ये सत्रह साल के बाद सेवनटीन ईयर की एज के बाद हमें देखने को मिलता है तो ये फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो क्राइम के जो लॉज होते हैं वो 18 इयर्स के बाद सख्त हो जाते हैं तो जब विजडम uh, टूथ uh, हमें दिखने लगता है मतलब वो एडल्ट क्रिमिनल के अंतर्गत आएगा या फिर हमें किसी भी सस्पेक्ट की एज पता लगानी होती है तो भी हम विजडम टूथ को देख के उसके इरप्शन के बेसिस पर उसकी एज बता सकते हैं तो विजडम टूथ का इरप्शन 17 साल के बाद होता है तो अगर 17 साल के पहले का या 17 ईयर्स का ही डेंटिशन आपसे पूछ लिया जाता है तो तब विजडम टूथ एबसेंट होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा टू टू अपॉन टू वन टू टू मल्टीप्लाई बाय टू मतलब यहाँ मोलर तो यह नहीं इरप्ट हुआ है, अभी थर्ड मोलर इरप्ट नहीं हुआ है इसीलिए चारों क्वाड्रेंट से थर्ड मोलर को अगर आप माइनस करते हैं तो अट्ठावी दांत टोटल आते हैं अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा नीट 2017 में एलिमेंट्री कैनाल के टीथ पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बेबी बॉय था जिसकी दो साल की उम्र थी उसे प्ले ग्रो प्ले स्कूल में एडमिट करा गया उसे डेंटल चेकअप के लिए वो डेंटल चेकअप के लिए जाता है तो डेंटिस्ट देखता है कि उसके मुंह में बीस ही दांत हैं तो कौन सा दांत उसमें एबसेंट है ऑप्शन वन कैनाइन ऑप्शन टू प्री मोलर ऑप्शन थ्री मोलर एंड ऑप्शन फोर इनसाइजर सोचिए जल्दी आप नीट टू का ये क्वेश्चन है चलिए बेटा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉरी कि कि मैंने आपको बताया था बेटा कि मिल्क डेंटीशन के अंदर मिल्क डेंटीशन के अंदर प्रीमोलर और थर्ड मोलर एबसेंट होता है प्रीमोलर और थर्ड मोलर जो होता है वो एबसेंट होता है तो इस कारणवश बच्चों क्या होगा कि आंसर इसका या तो प्रीमोलर होगा और थर्ड मोलर होगा लेकिन इसमें फर्स्ट और सेकेंड मोलर तो प्रेजेंट होता है फर्स्ट और सेकेंड मोलर जो होता है बेटा वो प्रेजेंट होता है ठीक है तो अगर थर्ड मोलर स्पेसिफिक नहीं दिया है तो हम मोलर स्पिटिक नहीं कर सकते हैं तो बेटा इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा प्री मोलर इस कारण से डेंटल फॉर्मूला क्या बन जाता है टू वन जीरो टू अपॉन टू वन जीरो टू मल्टीप्लाई बाय टू ठीक है तो प्रीमोलर जो है वो जीरो पाए जाते हैं दस साल से कम उम्र के बच्चों में दैट इज मिल्क डेंटिशन में तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा टू अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि नीट 2018 में पूछा गया है ह्यूमन डेंटिशन के बारे में तो ऑप्शन वन है प्लूरोडोन मोनोफायोडोंट होमोडोंट टू थीकोडॉन डायोफायोडोंट हेट्रोडॉन्ट थर्ड थीकोडॉन, डायफायोड होमोडोन और फोर्थ प्लूरोडोन डायफायोड हेट्रोडॉन्ट तो बच्चों जैसे कि मैंने पीछे आपको अच्छे से समझाया कि हमारे ह्यूमन डेंटिशन में जो तीन कंडीशन मिलती है उसमें से पहली है थीकोड थीकोडॉन्ट शब्द का मतलब होता है बेटा कि जो रूट्स होते हैं दांत के रूट्स होते हैं वो अच्छी तरह से एम्बेडेड पाए जाते हैं एल्वुलर बोन के अंदर अच्छी तरह से एल्वुलर सॉकेट के अंदर वो धसे हुए पाए जाते हैं इस कंडीशन को हम थीकोड कहते हैं हमारे अंदर सभी दांत अलग अलग आकार के होते हैं इंसाइजर चपटे होते हैं कैनाइन नुकीले होते हैं प्रीमोलर कस्प वाले होते हैं और मोलर भी कस्प वाले होते हैं जिस कारण से हमारी इस कंडीशन को हैट्रोडोंट कहा जाता है हम इंसानों के अंदर दांत दो बार आते हैं एक बार दूध के दांत और एक बार परमानेंट डेंटिशन एक बार दूध के दांत और एक बार परमानेंट डेंटिशन जिस कारण से हम डाइफायोड के अंतर्गत आते हैं तो अगर ह्यूमन डेंटिशन की बात करें जाए तो ये तीन आंसर सही हैं तो थीकोडॉन्ट डायफायोड और हेट्रोडोंट हमें सेकेंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा टू सो so, बेटा एलिमेंट्री कैनाल में टीथ टॉपिक यहां खत्म होता है अब आते हैं हम नेक्स्ट फैरिंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है फैरिंग्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि दैट इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर तो अब बकल कैविटी के, के बाद ये स्पेस जो है उसे फैरिंग्स कहते हैं देखिए आप यहाँ पे एयर भी पास होगी और फूड भी पास होगा ठीक है बेटा तो यहां से एयर भी पास होगी और यहां से फूड भी पास होगा इस कारण से ये कॉमन पैसेज होता है बिटवीन द फूड एंड एयर सो ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीआरटी में भी गिवन है ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीआरटी में भी गिवन है तो फेरिंग फायरिंग मस्कुलर फनल लाइक एरिया होता है जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के बीच में पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो तीन पार्ट्स होते हैं नेजो फेरिंग्स ओरोस और लैरिंगो नेजल कैविटी के पीछे मिलता है ओरोस ओरल कैविटी के पीछे मिलता है और लैरिंगो फेरिंग्स लैरिंग्स वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है तो अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं बेटा नेजो फेरिंग्स में एयर ही पास होती है जबकि ओरो और लैरिंगो इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं के अंदर हमारे आ, पाइप की भी ओपनिंग होती है जिसे हम गलेट कहते हैं और उसी प्रकार से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की भी ओपनिंग होती है जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की भी ओपनिंग होती है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं ठीक है तो ये गलेट है और ये ग्लॉटिस है तो आपको पता होना चाहिए आगे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है और पीछे हमारा फूड पाइप होता है आगे विंड पाइप और पीछे फूड पाइप ये आपको पता होना चाहिए और फूड फूड पाइप की ओपनिंग को बेटा हम गैलेट कहते हैं और विंड पाइप की ओपनिंग को बेटा हम ग्लॉटिस कहते हैं उसी से नाम आता है एपिग्लॉटिस शब्द का जो कि एक कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लॉटिस को क्लोज करता है जब हम खाने को अंगलते हैं जिससे खाना जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए तो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये एपिग्लॉटिस पार्ट है एपिग्लॉटिस पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एपिग्लॉटिस पार्ट में नहीं आने देता है मतलब में नहीं आने देता है है ये होता जो ग्लॉटिस के ढक्कन को ग्लॉटिस की ओपनिंग को बंद कर देता है ठीक है चलिए अब फेरिंग्स के पीछे सिक्स टॉन्सल्स पाए जाते हैं जिसे हम वॉलिक रिंग कहते हैं तो सिक्स कुछ इस प्रकार है ट्यूबल टॉन्सिल और लिंग टॉन्सल्स टॉन्सल्स का काम होता है जो भी जो भी जर्म्स वगैरह आ रहे हैं उनको फैगोसाइटोस करना उन्हें किल करना अब बच्चों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं एम्स 2011 का बेटा क्वेश्चन है कि What is the real sense infle inflected in the given diagram? Okay, closure of esophagus for the entry of food in stomach, closure of trachea by epiglottis for preventing the food to enter in it, movement of bolus in trachea, movement shown is a reflex action. तो बेटा आप सोचिए इसका क्या आंसर है तो बेटा इस डायग्राम के अंदर बेसिकली ये समझाया गया है कि जब बोलस फूड अंदर की तरफ जाता है तो हमारा जो ग्लॉटिस पार्ट है वो एपिग्लॉटिस से क्लोज हो जाता है ग्लॉटिस इज क्लोज बाय एपिग्लॉटिस इज क्लोज बाय एपिग्लॉटिस विच इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप तो यहाँ पे बेसिकली यही समझाया जा रहा है कि जब खाना जाएगा तो हमें विंड पाइप को क्लोज करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है ईसोफेगस को क्लोज करना तो ईसोफेगस को क्लोज नहीं किया जाता है ट्रेकिया को क्लोज किया जाता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं बेटा क्लोजर ऑफ ट्रेकिया बाय एपिग्लॉटिस फॉर प्रिवेंटिंग फूड टू तो एंटर इन इट ये सही हो जाएगा मूवमेंट ऑफ बोलस इन ट्रेकिया ट्रेकिया बोलस का मूवमेंट ट्रेकिया में नहीं होता है वो ईसोफेगस में होता है मूवमेंट ऑफ इज शोन इज अ रिफ्लेक्स एक्शन इट इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन तो ऑप्शन टू इज करेक्ट ऑप्शन टू इज करेक्ट अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड सो so, पे बेटा हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला टॉपिक खत्म होता है जिसपे हमने देखा बेसिकली क्वेश्चन टीथ और के ऊपर पूछे गए हैं अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे कि आपको पता है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो एसेसरी ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड जैसे सेलाइवरी ग्लैंड जो हमारा लिवर है पैनक्रियाज है एंड ऑल्सो स्टमक के अंदर भी ग्लाइंड पाए जाते हैं जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड gland. तो ग्लाइंड के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मतलब कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो है वो टारगेट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड टॉपिक को तो पहले बेटा हम ग्लैंड्स में भी गैस्ट्रिक ये म्यूकस जो होती है उसके इन्मेजिनेशन से ही ग्लैंड बनता है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है इसमें चार प्रकार के बेटा सेल्स पाए जाते हैं पहला है म्यूकस सेल दूसरा है पेराइटल सेल तीसरा है चीफ सेल और चौथा

तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर बेटा तीन चार टाइप के सेल्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसिटी तीन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं अगर हम फर्स्ट टाइप के सेल्स की बात करें दैट तो इज म्यूकस नेक सेल तो म्यूकस नेक सेल का, का काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना म्यूकस जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की इनर ट्रैक को एसिडिक कंडीशन से बचाता है नहीं तो आप खुद सोचो सेल्स या इंटरनल लेयर म्यूकोस आके वो खुद भी तो डिट्योरेट हो सकती है एसिड के द्वारा पर वो नहीं होती है म्यूकस के कारण साथ ही साथ म्यूकस लुब्रिकेशन का भी काम करता है ग्रीस जैसे सब्सटेंस का भी वो काम करता है जिससे खाना कहीं भी अटके नहीं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल पे आते हैं बेटा हम पैराइटल सेल जिसे हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल का काम होता है एच सी एल सीक्रीट करना दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके कारण हमारे स्टमक का पी एच वन पॉइंट एट होता है साथ ही साथ कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर रिलीज करना कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन बी ट्वेल्व को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है विटामिन बी ट्वेल्व को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे शरीर के लिए अगर विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है खून की कमी हो जाती है ऐसे एनीमिया को हम परनिशियस एनीमिया कहते हैं मतलब एक प्रकार से हम माने तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं देर सीक्रिएटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो ये बेटा सेल्स और इनके सीक्रीशन आपको याद होने चाहिए बाय हार्थ तो इस प्रकार से जो स्टमक के अंदर बेटा जी सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है जिससे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है बाय वीस गैस्ट्रिक क्लाइन तो हार्मोन भी मैंने आपको बता दिया है अब आते हैं बेटा Chief cell या cell या आपको बताया था एंजाइम लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रोरेनिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं कैसे एंजाइम होते हैं बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं बेटा ये अब हमारे यंग uh, uh, ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है ठीक है कैसा फॉर्म है ये इनएक्टिव फॉर्म है ये एक्टिवेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है जो कि ज़ाइमोजन सेल सीक्रेट करेंगे वो ऑक्सिनटिक सेल से रिलीज होने वाले एचसीएल से एक्टिव होगा इनटू पेप्सिन ठीक है, 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 के साथ होगा, होगा। वो रेनिन में हो तो जो है वो यंग बच्चों में में तो जो बच्चों होता क्योंकि आपको पता है जो रैनिन होता है वो मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट करता है और बच्चे पूरी तरह मिल्क डाइट पर होते हैं इसीलिए चीफ सेल और पैप्टिक सेल और जाइमोजन सेल्स तो सॉरी तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया रैनिन एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है जो कि मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है साथ ही साथ थोड़े बहुत अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सीक्रेट कर होता है जो हमारे खाने में जो इमल्सिफाइड फैट होता है वो थोड़ा बहुत हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो सकता है लेकिन ना के बराबर मेन डाइजेशन हमारे आ, फैट्स का या लिपिड्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है ठीक है तो इस स्टमक में ना के बराबर लिपिड का डाइजेशन होता है मतलब मेन स्टमक के अंदर डाइजेशन ओनली एंड ओनली प्रोटीन का होता है मिल्क प्रोटीन का और डाइट्री प्रोटीन का अब आते हैं बेटा ऑक्जेंटिक सेल पे जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्जेंटिक सेल जो है वो एच सी एल और केसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर रिलीज करता है केसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर और एच सी करता है सबसे पहले हम एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन जानेंगे ये इसका मेन फंक्शन है इनएक्टिव Enzymes, enzymes, जो से रिलीज हो रहे हैं उन्हें एक्टिव करना तो कन्वर्ट करेगा प्रोरेनिन को रैनिन में कन्वर्ट करेगा तो ये इसका एक्टिव फॉर्म है ठीक है और रैनिन की स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है रैनिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एनजाइम पढ़ते हैं रैनिन उसकी उसकी स्पेलिंग में डबल डबल एन आता है ठीक है उसकी स्पेलिंग में डबल एन आता है जबकि हम जो हार्मोन ब्रैन की बात करते हैं उसकी स्पेलिंग में सिंगल एन आता है तो ये डिफरेंस आपको तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि तो जब भी एग्जामिनर को एंजाइम ब्रैन पे या हार्मोन रैन पे क्वेश्चन पूछना होगा तो दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने रखेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आधी सेंचुरी या आधे विकेट डाउन तो स्पेलिंग पे ही हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट स्टमक में अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इन स्टमक जो है वो रेनिन के द्वारा होता है पैप्सिन के द्वारा होता, होता है और गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है रेनिन जो है वो के केसीन को डाइजेस्ट करता है जो कि एक मिल्क प्रोटीन है बच्चों में ज्यादा रिलीज होता है तो देखिए आप किस प्रकार एक्सेल की प्रेजेंस में प्रोरेनिन रेनिन में बदलता है और फिर रैनिन जो है वो केसिन मिल्क प्रोटीन पर एक्ट करता है उसे इनसॉल्युबल कैल्शियम पैरा पे कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करता है और फाइनली फिर इस पे पैप्सिन एक्ट करता है इसको पैप्टोन्स और प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है तो जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन उस पर रैनिन एक्ट करता है जिससे वो इनसॉल्युबल कैल्शियम पैरा में कन्वर्ट हो पाए इसे हम कर्डलिंग भी कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार से बेटा पूरा प्रोसेस होता है और कैल्शियम पैराकैसिनेट पैरा कैसीनेट पर करता है ये भी मैंने आपको बता दिया कर्डलिंग ऑफ मिल्क में कैसिन जो है वो कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट होता है क्योंकि तो कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है वो इनसॉल्युबल है दस द मिल्क प्रोटीन कैन रिमेन इन द स्टमक फॉर लॉन्गर पी टाइम तो ये भी आपको पता होना चाहिए कैल्शियम पैराकैसिनेट कैसीनेट इनसॉल्यूबल फॉर्म होता है रेनिन एक्टिव फॉर्म होता है तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क होती है

प्रोटेक्ट करता है म्यूकस प्रोटेक्ट करता है ठीक है म्यूकस के द्वारा वो प्रोटेक्ट होती है हमारी इंटरनल लाइनिंग अब म्यूकस जो है वो सीक्रेट होता है हैल विच इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस और इट इज सीक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल ऐसी बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय ब्रूनर्स ग्लैंड

सेल्स के द्वारा पैप्टिक सेल के द्वारा एसिडिक सेल्स के द्वारा सोचो ये का क्वेश्चन है जैसे कि बेटा आपको पता है हमारे गैस्ट्रिक लाइन के अंदर सेल्स पाई जाती हैं जैसे म्यूकस नेक सेल सेकेंड पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल थर्ड जाइमोजन सेल और चीप सेल अब इनका सीक्रेशन भी आपको पता होना चाहिए म्यूकस नेक सेल का सीक्रीशन होता है म्यूकस पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल का सीक्रीशन जो है वो होता है एच एंड केसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर वैसे ही बेटा जाइमोजन सेल और चीफ सेल का सीक्रीशन होता है हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंजाइम्स लाइक पैप्सिनोजन पैप्सनोजन एंड प्रोरेनिन ठीक है तो ऑप्शन में पूछा गया था कि गैस्ट्रिक एसिड मतलब एचसीएल के ऊपर क्वेश्चन है पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल आंसर आएगा तो ऑप्शन में पेराइटल सेल गिवन है तो ऑप्शन टू पेराइटल सेल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आते हैं बेटा नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर नेक्स्ट हम एसेसरी ग्लैंड की अगर बात करें तो लिवर पैनक्रियाज और लिवर पैनक्रियाज और गॉल बहुत अच्छे से समझाया गया है और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो है, है।, का है बाइल जूस को सीक्रेट करना लिवर के पास दो लोब पाए जाते हैं एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब दोनों से बाइल सीक्रेट होता है द टू डक्ट लेफ्ट लोब की डक्ट को हम लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहेंगे राइट हिपैटिक डक्ट बोलेंगे राइट लोब के डक्ट को जब लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट मिल जाते हैं तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देते हैं तो यहां से यहाँ पे जो है बाइल आता है अब बाइल जो है वो स्टोर होने के लिए गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है और फिर आपको गॉल ब्लैडर के डक्ट का नाम भी पता होना चाहिए दैट इज सिस्टिक डक्ट तो ये पूरे अरेंजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है चलिए एक एक करके समझते हैं बाइल जो है है बेटा वो सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, जो कि हमारे लिवर में पाए जाते हैं और फिर वो कंसेंट्रेट होने गॉल ब्लैडर में आता है तो बेटा आप देख पा रहे हैं मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देते हैं फिर वो कंसेंट्रेट होने के लिए अब वो बाइल जूस

अब पैनक्रियास का सीक्रेशन होगा पैनक्रियास के और सॉरी कॉमन बाइल डक्ट को बेटा हम डक्टस कॉलिडोकस भी डक्टस कॉलिडोकस भी कहते हैं दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो कॉमन बाइल डक्ट और डक्टस कॉलिडोकस कहेंगे हम जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपैटिक डक्ट आपस में मिलके एक कॉमन डक्ट बनाएंगे जिससे हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट अब पैनक्रियास का डक्ट होता है डक्ट ऑफ बिर्सन

Which, uh, एक एम्पुला बनता है और जो एम्पूला डिडोनम में बनता है उसे एम्पिला जाता है ठीक है तो एम्पिला है लेकिन स्प्रिंगर ऑफ ओडाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीआरटी में गिविन है तो so, आपको पता होना चाहिए हिपैटोपेक्रियाटिक डेड बाई अंटर कॉल स्पिंगर ऑफ ओडाए तो वैसे ही बच्चों हमारे कॉमन बाइल डक्ट में भी एक sphincter पाया जाता है जिसे sphincter of कहा जाता है तो common bile duct में B for, by, B for लेकिन हमें डक्ट का अच्छे से याद होना चाहिए स्पिंगर बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीआरटी दैट इज दैट इज स्विंग ऑफ ओडाइट सो एक बार और हम रिवाइज करेंगे बेटा लिवर से राइट हिपैटिक डक्ट और राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके बना देती है कॉमन हिपैटिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल रिलीज होता है बाइल जो है वो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहा जाता है सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना देती हैं पैनक्रियास के मेन डक्ट को हम डक्ट ऑफ विरसंग कहते हैं डक्ट ऑफ विरसंग और कॉमन कॉमन बाइल डक्ट मिलके बच्चों आप देख पा रहे हैं कि सीक्रीशन जो है वो डिओडनम पार्ट में एड हो जाता है लिवर गोल्डर और पैंक्रियास का इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है ठीक है

ठीक है ये दोनों मिलके बना देते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट दिस फॉर्म्स कॉमन हिपैटिक डक्ट अब जो ये बाइल है ये हमारे गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है बाइल गोस एंड स्टोर इन टू द गॉल ब्लैडर सो दिस इज गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर के डक्ट को बेटा हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं सिस्टिक तो कहेंगे गॉल ब्लैडर के डक्ट को डॉमन हिपैटिक और सिस्टिक हिपैटिक मिलके क्या बना देते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके बना देते हैं कॉमन बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट ठीक है अब आता है आती है पैंक्रियास की बारी ये बेटा हमारा पैनक्रियाज है पैनक्रियाज का जो बेटा मेन डक्ट होता है उसे हम डक्ट ऑफ विरसंग कहते हैं अब डक्ट ऑफ विरसंग और कॉमन बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट मिलके बना देता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट and this hepatopancreatic duct opens into the duodenum and it is guarded by sphincter of oddi ठीक है तो इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है पूरा डायग्राम तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ दिस इज करेक्ट ठीक है इसके अलावा सेमी लूनर वाल्व दिया था जो कि हमारी आर्टरीज में पाया जाता है ठीक है तो ये हार्ट से रिलेटेड है इसके अलावा इलियो सीकल वॉल दिया था जो इलियम और सीकम के बीच में पाया जाता है तो यह भी गलत आंसर है पाइलोरिक फिंगर दिया था जो कि पाइलोरिक फिंगर दिया था जो कि स्टमक और डेओडनम के बीच में पाया जाता है स्टमक और डेओडनम के बीच में पाया जाता है ठीक है तो इसका सही आंसर होगा फिंगर ऑफ ओडाई सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ अब हम आते हैं बेटा गेस्ट्रो इंटेस्टेनल हार्मोन टॉपिक पे अब हम आते हैं बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन के टॉपिक पे कौन कौन से हार्मोन्स आखिर हमारे डाइजेस्टिव ग्लाइन आखिर हमारे डाइजेस्टिव ग्लाइन को और उनकी मोटिलिटी को कंट्रोल करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हार्मोन है गैस्ट्रिक हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन में आपको बेसिकली ये याद रखना है कि इसका सोर्स जो है वो स्टमक का पाइलोरिक रीजन होता है और डिओनम होता है जी सेल्स पाए जाते हैं तो जो गैस्ट्रिन होता है वो शब्द ही बता रहा है कि गैस्ट्रिन वर्ड इज यूज फॉर स्टमक तो ये स्टमक में कुछ ना कुछ कराएगा तो स्टमक में जो भी सीक्रेटरी सेल्स होते हैं वो इसके टारगेट है जिस कारण से गैस्ट्रिक मोटिलिटी होगी और एचसीएल का रिलीज होगा तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी और एचसीएल के सीक्रेशन को यह कॉज करेगा गैस्ट्रिन हॉर्मोन ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं बेटा हम कोलेसिस्टोकाइनिन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन पी पे पूछे गए हैं बेटा कोलेसिस्टोकाइनिन कोलिस भी बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में में ये में पाया जाता है सेल्स को सीसी के सेल्स कहा जाता है और इसका टारगेट एक्शन पैनक्रियाज भी है और गॉल ब्लैडर भी है तो गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज दोनों अगर क्वेश्चन आते हैं तो दोनों के आंसर में हमें और सीसी के टिक करके आना है तो गॉल ब्लैडर से ये जू, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा के बाइल जूस का कराता है। उसी प्रकार से पैंक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है दोनों पे एक्ट कर रहा है कोल्टोकाइन नाम का हॉर्मोन नेक्स्ट आते हैं बेटा हम सिक्रेटिन हार्मोन पे ये भी डिओडनम में पाया जाता है एस सेल्स के द्वारा रिलीज होता है इसके जो टारगेट हैं वो है लिवर जो कि बाइल जूस सीक्रेट कराएगा जिससे और पैनक्रियास है तो पैनक्रिया में ये वाटर और बाइकार्बोनेट कर पाता है जूस में वाटर और बाइकार्बोनेट ऐड कराता है जिससे अल्कलाइन कंडीशन हो हमारे पैंक्रियाटिक जूस की और साथ ही साथ ये लिवर को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज बाइल ठीक है जो कोलेसिस्ट्रोकाइन था वो गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवा रहा था जबकि जो सिक्रेटिन है वो पैंक्रियास में ऐड करवा रहा है बाइकार्बोनेट्स और साथ ही साथ वो लिवर को स्टूमुलेट कर रहा है टू रिलीज बाइल जूस तो इन दोनों के टारगेट दो दो ग्लैंड्स हैं सिक्रेटिन और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्रेटिन एंड कोलेट्रोकिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और पीवाई भी देख के आप समझ ही जाएंगे आते हैं बेटा नेक्स्ट हार्मोन पे दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ये दियो, डिओड्रनम से रिलीज होता है ये गैस्ट्रिक म्यूकोज मसल पे एक्ट करता है ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक को क्योंकि इसके शब्द में ही आ रहा है इनहिबिटरी तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए जीआईपी जो है वो इनहिबिट करता है सीक्रीशन और मोटिलिटी को नेक्स्ट एंटेरोगैस्ट्रॉन uh, ये भी डिओड्रनम से सीक्रिट होता है और ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है इसके अलावा भी दो तीन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं रखे हैं चलिए आते हैं बेटा एम्स 2017 के क्वेश्चन पे बाइल जूस इज सीक्रीट बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय स्टलेन ऑफ ऑप्शन वन गैस्ट्रिन ऑप्शन टू सीक्रेटिन ऑप्शन थ्री एंटेज एंड ऑप्शन सी 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 के दैट इज कोलेटोकाइन सोचिए जल्दी जल्दी सो बच्चों चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गैस्ट्रिन जो होता है वो हमारे गैस्ट्रिक लैंड को स्टिम्युलेट करता है जिससे एच और अदर गैस्ट्रिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा बाइल के सीक्रेशन के बारे में पूछा है सिक्रेटिन जो होता है बेटा वो पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक जूस में एड कराता है बाइकार्बोनेट आयन को एड बाइकार्बोनेट आयन थर्ड ऑप्शन है एंटेरो जो होता है बेटा एंटेरोकाइनेज uh, जो होता है बेटा ये डिओडेनम में ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है एंटेक अब हम आते हैं कोलेसिस्टोकाइन डेट इज सी सीसी के पे ये लिवर को स्टूमुलेट करता है टू रिलीज बाइल इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच हॉर्मोन डू स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट नीट टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन कोलेसोकाइन एंड सिक्रेटिन इंसुलिन ग्लूकैगन एंजियोटेंसिन एंड एपेनाफ्रिन गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन तो बेटा क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, पैंक्रियाटिक जूस का रिलीज कौन करवाता है और पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट कौन ऐड कराता है दो दो अलग -अलग enzymes, दो अलग-अलग अलग-अलग एंजाइम्स के बारे में आपसे पूछा गया है तो चलिए जल्दी सोचिए चलिए मैं आपको बताती हूँ पैनक्रियाटिक जूस के रिलीज को स्ट्यूमुलेट करवाता है पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज को स्ट्यूमुलेट करवाता है पैनक्रियाज में से कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके जबकि पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट ऐड कराने का कार्य करवाता है सिक्रेटिन ठीक है तो आंसर हो जाएगा सीसी के एन ऑप्शन वन इज ओनली करेक्ट ठीक है ऑप्शन वन इज करेक्ट इंसुलिन लुकेगन शुगर मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं एनजियोटेंसिनफरिन भी नहीं हो सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है गैस्ट्रिन इंसुलिन तो गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और इंसुलिन वापस शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा तो ऑप्शन वन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2016 का है बेटा हेल्प्स इन सीक्रेशन ऑफ़ ऑप्शन वन अल्कलाइन बफर ऑप्शन टू पैंक्रियाटिक एंजाइम ऑप्शन थ्री गैस्ट्रिक सीक्रिएशन एंड ऑप्शन फोर वाटर एंड बायकार्बोनेट आयन तो आप देख रहे हैं ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी बेसिकली सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइन पे बार बार ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं बच्चा कोलेसिस्ट्रोकाइन जो होता है सीसी के वो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को वो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को टू रिलीज पैनक्रियाटिक जूस ठीक है और जबकि सिक्रेटिन जो होता है वो बाइकार्बोनेट ऐड करवाता है सिक्रेटिन जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ही बाइकार्बोनेट ऐड करवाता है बाइकार्बोनेट ऐड करवाता है ठीक है तो आपको वाटर बाइकार्बोनेट से भी इसलिए कंफ्यूज किया गया है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिक्रीशन के बारे में पूछा है सीसी -सी के ठीक है तो पैनक्रियाटिक एंजाइम इसका सही आंसर है ऑप्शन टू इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डिओडनम का पीएच एच पांच से कम हो जाता है Stop, stop, ट है तो अगर बेटा डिओडम का पी एच डिक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक एसिड का स्टिमुलेशन हमें इनिबिट करना चाहिए गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इनिबिट होना चाहिए तो गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इनिबिट जो है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है तो किसका सीक्रेशन स्टॉप होना चाहिए ऐसा बोला गया है तो गैस्ट्रिन जो है वो स्ट्यूम्युलेट कर रहा था गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्ट्यूमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को वो स्ट्यूमुलेट करता है टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस विच ऑल्सो कंटेन एसिड गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन एच सी एल तो किसका सीक्रेशन स्टॉप हो जाना चाहिए गैस्ट्रिन का सीक्रेशन स्टॉप हो जाना चाहिए ठीक है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर गैस्ट्रिन जबकि अगर हम देखें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रेटिन का कोई रोल नहीं है एंटेरोकाइनिस का कोई रोल नहीं है और पोलेसिस्टोकाइनिन का भी कोई रोल नहीं है इनका पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर को कंट्रोल करने में रोल होता है ना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट नेक्स्ट आते हैं बेटा हम डाइजेशन ऑफ फूड पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसपे लगभग ट्वेल्व क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन नाम से भी ये टॉपिक प्रसिद्ध है इसमें हम डाइजेशन के डिफरेंट करेंगे तो बेटा जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो फूड होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे बकल कैविटी में हमारे बकल कैविटी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो हमारे सलाइवा के अंदर बच्चा सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च पे एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में और हमारे सलाइवा का पीएच एच सिक्स होता है जैसा कि आपको पता है तो आपको आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पॉलीसेक्राइड जो है वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेलाइवरी अमाइलेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड टाइलिन अब केमिकल डाइजेशन पे सॉरी तो बच्चों जैसे कि आपको बता है माउथ के अंदर स्टार्च का 30 प्रतिशत डाइजेशन हो जाता है और सलाइवा वाले खाने को अब हम बोलस नाम देते हैं पकल कैविटी के अंदर अब आते हैं बेटा स्टमक के अंदर डाइजेशन के ऊपर तो स्टमक के अंदर बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर बेसिकली बेटा प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है बाय द रेनिन जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है डाइजेशन बाय पैप्सिन जो कि हमारे डायटरी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइफ लेकिन वेरी लेस वेरी वेरी लेस ठीक है क्योंकि लाइट लिपिड के डाइजेशन के लिए उसे इमल्सिफाइड होना जरूरी है और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है बाइल की प्रेजेंस में तो जैसे कि आपको पता है रैनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन होता है रैनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और इन्फेंट्स जनरली मिल्क डाइट पे होते हैं तो रैनिन उनमें रिलीज होता है और मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होता है इससे तो पहले तो रैनिन खुद एक्टिवेट होगा क्योंकि वो प्रो रेन फॉर्म में रिलीज होता है तो प्रोरेन एचसीएल की प्रेजेंस में रैनिन में कन्वर्ट होता है अब ये जो रैनिन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो चुका है और आपको याद रखना है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला ये जो रेनिन एंजाइम होता है उसमें डबल एन आता है चलिए अब कैसिन जो कि मिल्क प्रोटीन होता है कैसिन जो कि क्या होता है बच्चा मिल्क प्रोटीन कैसिन जो कि मिल्क प्रोटीन होता है इस पे रैनिन नाम का एंजाइम एक्ट करता है जिसमें डबल एन आता है जिससे कोडलिंग ऑफ मिल्क होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल और वो इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल पैराकैसिनेट जैसे कि जैसे कि इनसॉल्युबल है तो वो स्टमक में ज्यादा देर तक मिलता है और आराम से फिर इसका पैप्सिन के द्वारा डाइजेशन किया जाता है उसी प्रकार से बच्चों पेप्सिन पे आते हैं अब हम तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और फिर वो डाइट्री प्रोटीन पे एक्ट करता है और कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को इनटू पेप्टोन्स प्रोटीओस एंड पेप्टाइड्स में अब हम आते हैं बेटा डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस और सक्कासेंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस और सक्कासेंटेरिकस तो बेटा अभी हमने तो बेटा अभी हमने माउथ के अंदर डाइजेशन पढ़ा बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्च का फिर हमने स्टमक के अंदर डाइजेशन पढ़ा प्रोटीन का अब हम बढ़ेंगे बेटा इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा और पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा ठीक है तो इंटेस्टाइनल जूस दैट इज ऑल्सो कॉल सक्कस एंटेकस बच्चों अब हमने डाइजेशन की बात करी है जैसे कि स्टमक में और माउथ uh, में तो बकल कैविटी में हमने देखा किस प्रकार से स्टार्च का डाइजेशन होता है उसी प्रकार से बेटा हमने स्टमक में देखा किस प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन होता है बोथ मिल्क प्रोटीन एज वेल एज डाइटरी प्रोटीन का अब आते हैं बेटा पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा कैसे डाइजेशन होता है वो समझते हैं अब हम इंटेस्टाइन पार्ट पे आ गए हैं इंटेस्टाइन में जैसे कि आपको पता है पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन ऐड होता है इंटेस्टाइन के अंदर जूस का सीक्रेशन ऐड होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइ और इंटेस्टाइन के खुद के भी ग्लैंड होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड विथ सीट्स इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल जूस तो बेटा फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा होने वाला है लेकिन पहले हम पैनक्रियाटिक जूस को डिटेल में डिस्कस करेंगे पैनक्रियाटिक जूस जो रहता है बेटा वो सब चीज का डाइजेशन कर सकता है कार्बोहाइड्रेट का भी प्रोटीन का भी लिपिड का भी और न्यूक्लिक एसिड का भी तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर वाटर होता है अदर सब्सटेंस में ऑर्गेनिक में डिफरेंट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक पार्ट में सॉल्ट पाए जाते हैं तो बेटा अगर हम इसके कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स या अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स की बात करें तो स्टार्च माल्टोस में जैसे कि आपको पता है कन्वर्ट होता है डिसोसिएट होता है स्टार्च माल्टोस में तो उसी प्रकार से पॉलिसेक्राइट्स जो हैं वो डायसेक्राइट्स में कन्वर्ट होंगे अब आते हैं बेटा प्रोटिवलाइटिक एंजाइम्स के ऊपर तो पैंक्रियाटिक पैंक्रियास के स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम पैंक्रियाटिक अमाइलेस कहेंगे पैंक्रियास के स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम बेटा पैंक्रियाटिक अमाइलेस कहेंगे उसी प्रकार से बेटा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है

का काम करेगा तो काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस कार्बोक्सीपेप्टाइडेस में कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन के द्वारा अब नेक्स्ट है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन करते क्या हैं ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीओजोस में कन्वर्ट कर देते हैं अब आते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रिप्सिन और काइमोटिप्सिन जो है वो प्रोटीन को लार्ज पैप्ट में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली कार्बोक्सी कार्बोक्ट लास्ट में एक्ट करते हैं और लार्ज पैप्टाइड्स को स्मॉल पैप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो बेटा आपको जैसे कि पता है प्रोटीन स्मॉलर यूनिट अमीनो एसिड का बना होता है तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया है स्मॉल पैप्टाइट्स और अमीनो एसिड्स का अब लिपिड का डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है सबसे पहले जो इंटेस्टाइन में जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसे हम स्टेप्सिन भी कहते हैं ठीक है पैंक्रियाटिक लाइपेस को हम स्टेप्सिन भी कहते हैं तो पैंक्रियाटिक लाइपेस जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स को डाई और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है तो और कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेस जो है वो कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को इनटू कोलेस्ट्रॉल को फैटी एसिड एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल उसी प्रकार से बेटा जो है वो डाइजेस्ट करता है तो डीएनएज है वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा डीएनए को और जो आरएनएज है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा आरएनए को अब Ab... हम फैट के डाइजेशन की अगर बात करें तो फैट के डाइजेशन के लिए पहले बाइल के द्वारा उसका इमल्सिफिकेशन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है तो लिवर का सीक्रेशन बाइल जो है वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है आप देखिए किस प्रकार से बाइल इस पे अटैच्ड है बाइल इस पे अटैच्ड है इसे हम इमल्सिफाइड फैट कहेंगे, because salts, जो है वो फैट के आसपास अटैच है इस पे अब लाइपेज एंजाइम एक्ट करता है पैंक्रियाटिक जूस का विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप्सिन, और वो उसे डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है और फाइनली मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है पैंक्रियाटिक जूस किस प्रकार से जो हमारे न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियज को वो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को फिर वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है जैसे कि बेटा आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर शुगर बेस और फॉस्फेट होता है और न्यूक्लियोसाइड्स में शुगर और बेस होता है तो न्यूक् शुगर बेस फॉस्फेट शुगर बेस में कन्वर्ट होता है अब हम अगर बात करें सकस एंटेरिकस की या इंटेस्टाइनल जूस की तो सकस एंटेरिकस और एं, ए, 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 सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस जो है वो फाइनल डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है फाइनल डाइजेशन के लिए वो रिक्वायर्ड होता है फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन जो है ये इसके द्वारा होती है म्यूकोसल एपिथीलियम ऑफ इंटेस्टाइन से रिलीज होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है क्यों क्योंकि उसमें तीन सीक्रेशन होते हैं है, का है। दूसरा पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस और तीसरा इंटेस्टाइनल के, इंटेस्टाइन के खुद के ग्लैंड के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस जिसे कहा जाता है तो सकस एंटेरिकस जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट का भी प्रोटीन का भी लिपिड का भी और हमारे न्यूक्लिक एसिड का भी फर्दर डाइजेशन करता है इनटू मोस्ट सिंपलर फॉर्म तो चलिए बच्चों देखते हैं देखिए किस प्रकार से डायसेक्राइड हमारे पास थे पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन के बाद तो डायसेक्राइड जैसे माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज होते हैं माल्टोज जो होता है बेटा वो हमारा डाइटरी शुगर होता है माल्टोज जो होता है वो हमारा डायट्री शुगर होता है उसी प्रकार से लैक्टोज जो होता है वो हमारा मिल्क शुगर होता है और जो सुक्रोज होता है वो हमारा केन शुगर होता है मतलब शुगर केन में पाए जाने वाला शुगर सुक्रोज होता है तो माल्टोज जो है वो माल्टेस एंजाइम की अप्र... उपस्थिति में दो ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट होता है इनके ऊपर भी पीवाई क्यूज पूछे जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता होना चाहिए कि माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज की यूनिट में टूटता है वैसे ही लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है और उसी प्रकार से सुक्रोज जो होता है बेटा वो ग्लु, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है सो so, ये तीनों प्रोसेस जो है वो माल्टेजेस और सुक्रेस की उपस्थिति में होती है सुक्रोस को डाइजेस्ट करने वाला सुक्रेस माल्टोस को डाइजेस्ट करने वाला माल्टेस और लेकटोस को डाइजेस्ट करने वाला लेक अब प्रोटीन डाइजेशन पे आते हैं तो डाइपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम होता है जो कि जो डाइपेप्टाइड बना था पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन के बाद वो डाइपेप्टाइड को डाइजेस्ट करता है डाइपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम जो कि सकस एंटेक में पाया जाता है इनटू मोस्ट सिंपलर फॉर्म दैट इज अमीनो एसिड नेक्स्ट इंटेस्टाइनल लाइपेस के डाइजेशन की बात करते हैं बेटा तो इंटेस्टाइनल लाइपेस जो है वो डाई और मोनोग्रॉइड को फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा नेक्स्ट आते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था शुगर बेस और फॉस्फेट पाई जाती है न्यूक्लियो की प्रेजेंस में वो पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस मतलब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में उसे तोड़ देता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में अब बच्चों अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड अब हमारे पास बचा है जिसमें पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस है शुगर और बेस बची है है अब अब हमारे पास अब इसको नाम का एंजाइम डाइजेस्ट करता है, और बेस और पेंटो शुगर भी अब अलग अलग हो जाते हैं तो बेटा एक बार और हम रिवाइज करेंगे पूरा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और फिर फटाफट फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिकॉज ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू पे व्यू से इसके ऊपर लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो बेटा सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था बकल कैविटी के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होता है सलाइवरी या टाइलिन की उपस्थिति इन टू डाइसे लाइक माल्टोस वैसे ही बच्चों स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रोटीओलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं जैसे पैप्सिन और रैनिन जो कि प्रोटीन को लार्ज पैप्टाइट में तोड़ देते हैं अब आते हैं बेटा हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस और सकस एंटेकस का अलग अलग हम डाइजेशन समझेंगे पहले बार आती है पैंक्रियाटिक जूस की जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पैप्टाइडेज ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को लार्ज पैप्टाइट्स में कन्वर्ट करते हैं जबकि कार्बोक्सी पैप्टाइडेज अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है अब आते हैं बेटा हम पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद लिपिड की बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए न्यूक्लियस नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है एंड न्यूक्लियोटाइड इज अप ऑफ शुगर बेस एंड फॉस्फेट नेक्स्ट आते हैं बेटा हम सक्कस एंटेरिकस पे या फिर इंटेस्टाइनल जूस पे जो कि इंटेस्टाइन का खुद का सीक्रीशन होता है, इसके अंदर फाइनल इसके फाइनल होता है जैसे न्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन न्यूक्लियोटाइडेस के द्वारा होता है तो जब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेस एक्ट करेगा तो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा हमको ठीक है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में शुगर बेस और फॉस्फेट पाया जाता है जबकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ शुगर और बेस पाया जाता है और फॉस्फेट जो है फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में अलग हो जाता है अब न्यूक्लियोटाइडेस के बाद न्यूक्लियोसाइडेस की बारी जो न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर प्यूरिन शुगर और बेस में तोड़ देता है प्यूरिनस एंड पाइरिमिडिनस आर बेस ठीक है तो शुगर और बेस में तोड़ देता है अलग-अलग कर देता है शुगर और बेस को ठीक है अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइपेज एंजाइम है वो ट्राइग्लिसराइड्स को फाइनली मोनोग्लिसराइड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देगा और यहाँ पे हमारा फाइनल डाइजेशन हो गया है सकस एंटेरिकस के द्वारा अब प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट चुका है कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में टूट चुका है और हमारे लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट चुके हैं अब बेटा हम क्वेश्चंस पे आते हैं

कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है इनसॉलिबल फॉर्म होता है जो कि और फिर कैल्शियम पैराकैसिनेट पैरा कैसे ठीक है convert into, convert तो इस हिसाब से बेटा इनिशियल स्टेप के बारे में पूछा गया है जैसे कि तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री दैट इज रेनिन और रेनिन में डबल एन आएगा ये आपको याद रखनी है बात अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स में हमें क्या क्या मिलेगा ऑप्शन वन न्यूक्लियसिनोजन लाइपेस ऑप्शन टू पैप्स रैमिन ऑप्शन फोर माल्टे पैप्सिनजन और रैनिन तो बेटा आपको पता होना चाहिए पहले तो जैसे कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात करी गई है वो भी किसका गैस्ट्रिक जूस तो इन्फेंट का इन्फेंट जो होते हैं वो मिल्क डाइट पे होते हैं कैसी डाइट पे होते हैं बच्चा मिल्क डाइट पे और मिल्क डाइट मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रैनिन चाहिए हमें ठीक है साथ ही साथ गैस्ट्रिक जूस में आ, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन पाया जाता है पैप्सिनोजन पाया जाता है या पैप्सिन पाया जाता है और इसके साथ में लाइ गैस्ट्रिक लाइपेज भी थोड़े बहुत अमाउंट में हमें मिलता है तो ये तीन ऑप्शंस आने चाहिए तभी वो आंसर टिक होगा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है सेकेंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट थर्ड ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो अमाइलेज इज रॉन्ग देन फोर्थ ऑप्शन में हम देखें तो माल्टेज इज रॉन्ग ठीक है तो इस प्रकार से बेटा ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट हो जाता है ये ए आई पी एम टी टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन था बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2017 का क्वेश्चन ऑफ़ ऑफ़ द द फॉलोइंग ऑप्शन ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट एंजाइम कंपोजिशन वन अमाइलेस टू ट्रिप्सिनोजन माल्टेस तो बेटा सोचिए नीट टू का क्वेश्चन है टिक जूस के ऊपर करा गया है थीके? तो डाइजेस्टिंग एंजाइम भी, भी होता है तो जैसे कि बेटा आपको पता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर अगर हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें तो हमारे पास होता है काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी उसी प्रकार से बेटा अगर हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें तो हमारे पास पैंक्रेटिक जूस में पाया जाता है अमाइलेज नेक्स्ट हम अगर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें तो हमारे पास में पाया जाता है लाइपेस और अगर हम न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन की बात करें तो हमारे पास पाया जाता है पैंड्रेटिक जूस में न्यूक्लियस तो बेटा ये सब अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है ऑप्शन वन में है अमाइलिस पैप्सिन ट्रिप्सिनोजन और माल्टेज जिसमें माल्टेज और पेप्सिन गलत है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा नेक्स्ट है पैप्टाइडेज अमाइलेज पे, पेप्सिन और रैनिन तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि पेप्सिन रैनिन तो गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम है लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिनोजन प्रो तो बेटा ये ऑप्शन सही है ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर में अमाइलेज तो सही है Peptidase गलत है ट्रिप्सिनोजन सही है और रेनिन गलत है तो ये दोनों ऑप्शन गलत होने के कारण ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन किसका कन्वर्शन करता है ऑप्शन वन पैप्सिनोजन इंटू पैप्सिन प्रोटीन इंटू पॉलीपैप्ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन और कैसिनोजन इंटू कैसिन तो सोचिए जल्दी जल्दी ये नीट 2020 का क्वेश्चन है तो बच्चों जैसे कि आपको पता है ट्रिप्सिन बाकी के प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है लेकिन खुद ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है हमारा जो कि डिओडेनम के सेल्स के द्वारा रिलीज होता है सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गॉबलेट सेल जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो क्या मॉडिफाइड mod फ्रॉम कंपाउंड एपिथिलियम स्क्स कॉलमनर और कॉन्ड्रोसाइड नीट 2020 का क्वेश्चन है तो बेटा ये थोड़ा बहुत हिस्टोलॉजी पार्ट से क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए जो हमारी इंटरनल लाइनिंग होती है वो कॉलमनर एपिथीलियम से लाइन होती है इसलिए जो हमारे गॉबलेट सेल्स होंगे वो कॉलमनर एपिथिलियम सेल से मॉडिफाइड होंगे सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट नाउ अदर्स में हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है कौन सा फैट विटामिन है और डेफिशिएंसी डिसीज उसकी करेक्टली मैच है तो बच्चों जैसे कि आपको पता है ई के इज द फैट सॉल्यूबल विटामिन ठीक है और ई के अगर हम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता कैल्सीफेरॉल जो है वो पेलेग्रा कॉस करता है सो so, कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन बी थ्री का नाम है और ये फैट सॉल्युबल भी नहीं है तो यहाँ पे फैट सॉल्युबल का पूछा गया है और सॉरी कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी को बोलते हैं हम लेकिन विटामिन डी से पेलेग्रा नाम की बीमारी नहीं होती है विटामिन डी से जो है रिकट uh, डिसीज होती है उसकी डेफिशिएंसी से तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा विटामिन ए रेटिनॉल से होता है ये है ये ऑप्शन सही साइनोकोबाल अमीन जो कि विटामिन बी ट्वेल्व का नाम होता है विटामिन बी ट्वेल्व से साइनोको uh, उससे एनीमिया होता है ना कि बैरी बैरी तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट है विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ फ्लाइबर कून सीक्रीट एंटी बैक्टेरियल लाइसोजाइन ठीक है ऑप्शन वन पैनेट सेल ऑप्शन टू जाइमोजन सेल ऑप्शन थ्री कुंफर सेल एंड नीट टू था एंटी बैक्टीरियल से उन हैं ऑप्शन वन द करेक्ट आंसर जबकि जो कुम्फर सेल्स होते हैं वो हमारे लिवर में पाए जाते हैं और uh, ये फैगोसाइटोस uh, का काम करते हैं जो जाइमोजन सेल्स होते हैं वो भी इसका आंसर नहीं है और अर्जेंट एफिन सेल गैस्ट्रिक ग्ड्स में पाए जाते हैं तो ये भी इसका आंसर नहीं है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन दैट इज सेल सो होप स्टूडेंट्स आपने आज एस आई टी ऑन डाइजेशन एंड एब्ज अच्छे से एंजॉय करा होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसपे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से जैसे कि मैंने आपको बताया फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और ग्लाइंस के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए सो यू कैन फोकस मोर ऑन दैट एंड बेस्ट ऑफ लक और नीट फोड़ के दिखाना है